नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा मंडोपरा मेडिकेयर हॉस्पिटल इंदौर में बतौर कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन प्रैक्टिस करती हूँ। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में टीबी की बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना है और इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाना है। वर्ल्ड टीबी डे को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे वैश्विक संस्थानों का समर्थन मिलता है। इंडिया टीबी की बीमारी का एक हॉटस्पॉट है और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल सितंबर में प्रकाशित हुई रिपोर्ट के मुताबिक गए साल हिंदुस्तान में 27 लाख नए मरीज हमें टीबी के मिले हैं। भारत में टीबी फैलने का मुख्य कारण लोगों में इसके प्रति जागरूकता ना होना और इसे शुरुआती दौर में गंभीरता से ना लेना है। तो आइए हम इस बीमारी के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ाएं। क्षय रोग यानी टीबी के फैलने का सबसे प्रमुख कारण टीबी की बीमारी के प्रति लोगों में जानकारी ना होना है। टीबी की बीमारी एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के जरिए फैलती है। प्रमुखतः यह फेफड़ों में होती है, पर यह शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है, जैसे आंत, पेट, लिवर, किडनी इत्यादि। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण खांसी, सांस फूलना, बुखार आना, खांसी में खून आना, वजन कम होना, लंबे समय तक भूख नहीं लगना, ये प्रमुख इसके लक्षण होते हैं। अगर टीबी का कीटाणु अगर शरीर के किसी हिस्से को प्रभावित करता है तो धीरे धीरे उसके जो टिश्यू है उसको नष्ट कर देता है और जिससे उस ऑर्गन का, उस अंग का काम प्रभावित होता है। ऐसे कुछ स्पेशल लोग जिनका इम्यूनिटी कम होता है, जैसे कि शुगर के मरीज हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, ऐसे लोगों में इस बीमारी का रिस्क होने का काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये जरूरी बात यह है कि टीबी का इलाज पूर्णतः संभव है। इसका इलाज 6 से 9 महीने चलता है, लेकिन लंबा इलाज चलने के कारण लोग इसका इलाज समय से पहले ही छोड़ देते हैं या दवाइयां छोड़ छोड़ कर लेते हैं, या अपने अगर कम डोज में इसका दवाई लेते हैं तो एक MDR टीबी, जिसे हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, उसको होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है तो उसका इलाज काफी मुश्किल रहता है, काफी लंबे समय तक चलता है और उसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा रहते हैं। तो आइए हम सब संकल्प करें कि ऐसे कोई भी लक्षण आने पर अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें और समय से इस बीमारी का इलाज लें और भारत को टीबी मुक्त करने में सहायक बने। धन्यवाद।